सेना में भर्ती को लेकर मोदी सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया, लेकिन देश के युवा इस योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही हैं। ऐसे में आज अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर देश के युवा की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला शहर अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। अग्निपथ योजना के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलत वीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता, ये सत्याग्रह नहीं रुकेगा। बता दें कि इस देशव्यापी प्रदर्शन का असर बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर देखने को मिला है। यूपी के लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों में धरना प्रदर्शन हुआ, तो वहीं बिहार के पटना में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है, अग्निपथ युवा विरोधी योजना है, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसे वापस लेना चाहिए। तो उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने सुंदरकांड का पाठ कर केंद्र सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये योजना देश के साथ धोखा है। इसके अलावा हरियाणा के कई राज्यों में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। अंबाला में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी प्रधान रामकिशन गुर्जर ने कहा कि बीजेपी पहले भी GST और नोटबंदी जैसे कानून लेकर आई है और अब फिर गुमराह करने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई। आज का युवा सड़कों पर है। इसके साथ ही कहा कि जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, सरकार इस कानून को भी वापस ले। कांग्रेस लगातार युवाओं के समर्थन में इस योजना का विरोध कर रही है और कांग्रेस का साफ कहना है कि जब तक योजना वापस नहीं होगी तब तक विरोध किया जाएगा, जिससे साफ है कि अग्निपथ पर बीजेपी की परेशानी कम नहीं होने वाली।